वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान मंजरी विद्यापीठ मोवा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एज यू नो स्टूडेंट्स आई टॉपिक ऑफ दूनिट इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जो अभी हमारा जो करंट जो लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन वाला जो यूनिट चल रहा है उसके अंदर का सो आई होप यू हैव अ सप्लीमेंट्री बुक सो प्लीज ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक यस सो हियर यू कैन सी दैट अ कॉन्सेप्ट टाइम नंबर सिक्सटीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके और वहां पे हमने लास्ट टाइम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था सो so इस बार हम देखेंगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर सिक्सटीन और इफेक्ट्स ऑन रिफ्लेक्शन ओके सो किस तरह से होता है वो सारी चीज हम आप देखने वाले हैं, सो so, और उसके साथों साथ, साथ यहाँ पे हम आज ये यूनिट कंप्लीट कर देंगे सो पेज नंबर एस बी ट्वेंटी वन पेज नंबर वन जीरो वन वन जीरो टू और वन जीरो थ्री और देन आफ्टर कीवर्ड्स रहेंगे जो आपको डायरेक्टली बुक के अंदर लिखने होंगे सो बिफोर दी स्टार्ट दिस टॉपिक

फर्स्ट इट इज अस्ट एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन वॉट डिड यू थिंक ऑब्जर्व अबाउट द पेंसिल इन ईच ग्लास यहाँ पे आपको एक आ, फिगर दिखाई दे रही होगी सो so, उसमें से आपको ऑब्जर्व करना है विच डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द पेंसिल इन ईच ग्लास तीनों के अंदर आप पेंसिल को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं सो इन केस वन टू और थ्री फर्स्ट केस पेंसिल इज इन एम्प्टी ग्लास खाली ग्लास के अंदर है नेक्स्ट पेंसिल इज इन जार हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड द लास्ट वन थर्ड केस पेंसिल इज इन जार फिल्ड विथ ऑयल एंड वाटर सो तीनों के अंदर आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपको यहाँ पे बताना है हाउ डज द पेंसिल अपीयर किस तरह से हमको पेंसिल दिख रही है पेंसिल अपीयर्स इज एंड डुक बैंड और ब्रोकन इन केस नंबर वन ओके देन इन सेकेंड केस देंसिल अपियर्स बैंड एंड ब्रोकन एट वन पॉइंट कोई एक पॉइंट पर वहां पर हमको ब्रेकन मिल रही है टूटी हुई दिखाई दे रही है Because पानी हाफ फिल्ड विथ वॉटर

केस वन नो रिफ्लेक्शन अकर्स एज अ मीडियम डज नॉट चेंज वहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है लाइट ट्रेवल्स ओनली इन एयर एयर के अंदर ही लाइट ट्रेवल हो रही है बट इन द केस नंबर टू द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड वेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर वो पानी हवा से लेकर पानी में जो ट्रेवल्स कर रही है लाइट उसकी वजह से हमको वहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है एंड द लास्ट केस

Reflection did you notice in the pencil experiment? So we, notice at, uh, we noticed that objects appears bent, broken, or destroyed due to the reflection. The pencil appears bent or broken. Next point. What effect reflection did you notice? We kept a coin in a glass of a water yesterday. So we noticed that an object appears raised from the actual position. हमको थोड़ा उसका पोजीशन अलग दिखेगा अगर वो पानी के अंदर डालोगे तो so let us understand why the reflection of light causes the objects appears broken bent or raised the rays carrying information about an object refract away from the normal as they leave the water marking on the image appear to a slower depth than the actual position of the object जहां पे वो होगा वहां से हमको नहीं दिखाई देगा वो हमको अपियर डेप्थ ज्यादा बाहर की ओर दिखाई देगा सो द दिशन ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स अपियर विद कॉल्ड इज अपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से हमको जहां पे एक्चुअल पोजिशन है वहां पे हमको नहीं दिख के कोई अलग एंगल पे हमको दिख रहा है सो दैट मीन वी आर से दैट इट इज अपेरेंट पोजिशन now all of you must have seen stars twinkling in the sky sabhi ne ye cheez dekhi hogi stars twinkling karte at a night time in a sky so did you know the stars do not actually twinkling but just appear to a twinkle as a result of reflection ट्विंकलिंग नहीं करते हैं but as a reflection as a refraction हमको वो ट्विंकल करते है ऐसा हमको दिख रहा है सो लेट अस अंडरस्टूड द हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेक्स द स्टार्स टू ट्विंकल इन स्काई सो एज अ लाइट फॉर्म द स्टार ट्रेवल्स थ्रू द मेनी लेयर्स अ डिफरेंस डेंसिटी हवा जमीन से लेकर स्टार तक के जो डिस्टेंस है उसके अंदर काफी सारे लेयर्स होते हैं किसके लेते हैं हवा के है।

यर इन इमेज यू कैन सी द सम लेयर्स ऑफ एटमोसफियर हेयर देर इज अ फर्स्ट लेयर हेयर देर इज अ सेकेंड लेयर सो जब हम यहाँ से स्टार के अंदर से कोई लाइट प्रोड्यूज हो रही है तो यहाँ पे आएगी वापस यहाँ से थोड़ा बैंड होगी वापस यहाँ पे आएगी वापस थोड़ा बैंड होगी फिर हमारी आइस के अंदर जाएगी सो हमको एज अ रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा यहाँ पे हमको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार Now uh, it's time to solve practice question number sixteen. Please open your practice question number sixteen. Look at the diagrams and the label the rare and the denser medium in each case. So first in case A there is a denser medium or rare medium. Case B rare or denser or denser or rare. You can see the डायरेक्शन ऑफ द लाइट सो आपको ये चीज आपकी सप्लीमेंटरी uh, बुक के अंदर लिख लिखनी है हियर इट इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पॉइंट थ्री द थ्री केस द टेबल जो आप यहाँ पे देख रहे हो केस वन पेंसिल इज इन एम्प्टी ग्लास पेंसिल इज इन जार विथ हाफ फिल्ड वाटर एंड पेंसिल इज इन जार फिल वि तो ये तीनों चीज के अंदर हाउ डज द पेंसिल अपीयर फर्स्ट रो उसके अंदर आपको ये लिखना है देन आफ्टर केस नंबर वन टू और थ्री तीनों के रीजनस है वाई डू यू थिंक द पेंसिल अपियर इन अ डिफरेंट इन ईच केस तो आपको ये तीनों चीज वहाँ के आपको फील करनी है देन आफ्टर व्हाट ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिड यू नोटिस इन देंसिल एक्सपेरिमेंट आपने क्या इफेक्ट नोटिस की वो तो हमको मालूम है तो आगे की जो दो स्लाइड्स है आप देख रहे हो ये फर्स्ट और ये सेकेंड सो इट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पॉइंट थ्री ओके सो यू हैव टू राइट दिस इन योर सप्लीमेंट्री बुक और फेयर बुक इट इज A uh, sixteen point three. Don't forget. Then here it is a practice question number sixteen point two. Okay, I can I change color? Thank you. it is 16.2 तो उसके अंदर ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड भी आपको लिखनी है यहां तक इट इज ऑल again अगेन इट इज आंसर ऑफ सिक्सटीन पॉइंट सो स्टूडेंट इसी के साथ आज का ये यूनिट हमारा जो लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन वाला है और फिजिक्स यूनिट नंबर वन टोटली यहाँ पे कंप्लीट होता है सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे मैंने आपके साथ सारे जो वीडियो के अंदर है आप लोग ने लिख लिया होगा आपकी फैर बुक भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी सो नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नया जो बायोलॉजी यूनिट नंबर टू है हमारा उसके अंदर हम जाएंगे कल हम स्टार्ट करेंगे सो आई होप आप सबको ये यूनिट कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो यू हैव टू वास्क एनी टाइम आई विल डेफिनेटली सोल्वर डाउट सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज के वीडियो के अंदर हमने कराए सारे क्वेश्चन आपको आपकी फैल बुक के अंदर प्रॉपर हैंडराइटिंग के साथ लिख कर फोटोग्राफ क्लिक करके सेंड करनी है ओके okay, फिगर है सो यू यूज टू स्केल और पेंसिल ओके सो स्केल पेंसिल की मदद से भी आप ड्रॉ कर सकते हो सो so अभी आज हम यहाँ तक रखेंगे वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे विथ चैप्टर बायोलॉजी यूनिट नंबर टू सो यू हैव टू रीड सम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट टाइम नंबर वन इन बायोलॉजी यूनिट नंबर टू एज अ होमवर्क ऑल्सो सो होमवर्क में क्या आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज के लेक्चर के अंदर वो आपको लिखना है और कॉन्सेप्ट टाइम नंबर वन बायोलॉजी यूनिट नंबर टू के अंदर जो है वो आपको जस्ट रीड करना है सो so आज के हम लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं सौ के लिए थैंक यू वेरी मच बुबाई टेक केयर फन विद साइंस एंड जूरी साइंस